नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर RR रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक इम्पॉर्टेंट खास न्यूज, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। SBI PO का नोटिफिकेशन ये जो है जारी हो चुका है। कब से फॉर्म में फिल कराए जाएंगे, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें। ये आप देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, ये 14 नवंबर से यानी कल से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 4 दिसंबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल दे रहे हैं आपको। ये आप फॉर्म जो है 14 से 4 दिसंबर तक आप फिल कर सकते हैं, 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक। फॉर्म की फ़ी भी वही डेट है और इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर के 3rd वीक में होगा। इसकी डेट ये दी गई है एग्ज़ाम की, 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी को ही इसका एग्ज़ाम, प्री का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है जनवरी के 3rd वीक में इसका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, और अगर 3rd वीक को रिजल्ट इसका आ जाएगा, पेपर अगर हो गया, तो इसका मेन का एग्ज़ाम भी जो है उसी के अकॉर्डिंग 29 जनवरी को इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा SBI PO का। ठीक है, उसका भी रिजल्ट फरवरी में आ जाएगा, 3rd और 4th वीक, फरवरी के 3rd और 4th वीक में इसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पूरी डिटेल दे रहे हैं। इंटरव्यू फरवरी या मार्च में कंडक्ट होगा, इसका रिजल्ट भी मार्च के लास्ट वीक तक आ जाएगा। ठीक है, और इसके ये जो जैसे SC और ST अदर रिलीजियंस माइनॉरिटी जो हैं उनका प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग का लेटर आता है। ठीक है, वो जो है दिसंबर के 2nd वीक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है दिसंबर के 3rd और 4th वीक में कराई जाएगी। ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं ये आप देख सकते हैं, 2000 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, अदर अदर कैटेगरी की, SC में 300, ST 150, OBC 540, EWS 200, जनरल 810 टोटल वैकेंसी हैं। ये टोटल जो है सबको मिलाकर 2000 वैकेंसीज हैं। ठीक है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 31 दिसंबर 2020 तक ये ली जाएगी। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, सॉरी, ये 31 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को, मतलब आपका रिजल्ट जो है 31 दिसंबर तक आ जाना चाहिए, तब आप फॉर्म को इस फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी अभी जानकारी दे रहे हैं आपको। ये आप देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन SC और ST का 5 साल का है, OBC 3 साल और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 15 साल, 13 साल, 10 साल, जैसा भी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन वगैरह ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल करिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, PO का एग्ज़ाम है, हल्के में मत लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह आप देख सकते हैं, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेन्यूज अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। ए टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज अटैच्ड एज एनेक्सर I। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा IBPS एग्ज़ाम कराता है, वैसा इसका भी IBPS PO का जो लेवल होगा उसके बराबर या उससे थोड़ा अप ही होगा, डाउन नहीं होगा। ठीक है, इसकी फ़ी वगैरह ये आप देख सकते हैं, जनरल OBC EWS 750 रुपीज़ है इसकी फ़ी वगैरह। ठीक है, SC ST PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग का लेटर ये आपको अभी बताया ही है, SC ST और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट्स इसका पेपर दे सकते हैं। नंबर ऑफ चांसेस आप देख सकते हैं। ठीक है, जनरल EWS 4 चांस हैं, PWD 7 चार, जनरल EWS को जो फिजिकली वीक कैंडिडेट्स जो भी हैं 7 साल का उनको चांस, सात
चांसेस मिलेंगे, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी उनको भी 7 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। एससी एसटी इनको जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप ये गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं, फॉर्म को फिल करिए, ठीक है, अच्छे से फॉर्म को फिल करिए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास कोई भी टाइम नहीं है इसका भी, दिसंबर लास्ट दिसंबर जनवरी तक इसका एग्ज़ाम हो जाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और मेंस का सेंटर कहाँ कहाँ पर है ये पूरी जानकारी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो भी हमने आपको बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको किसी भी वीडियो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं रीजनिंग के, ठीक है, तो मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक में, थैंक यू।